मैं तो कुछ लाई नहीं तेरे लिए, मैं तो कुछ लाई नहीं हूँ। आ जा आ जा। अरे वो कहाँ गया? पैसे तो अब दिवाली वाली तो सब खत्म हो चुकी है, घर के काम आम मैं कर रही थी। आज इतनी शांति, एकांत, इतना मतलब अजीब सी फीलिंग आ रही है। मौसम भी थोड़े बादल बादल जैसे हैं और मन भी थोड़ा उदास उदास जैसा है। फिर भी जैसे तैसे मैंने घर के काम आम निपटाए। अब दिन का लंच बनाना है मैंने, ब्रेकफास्ट तो सबका हो चुका है, सबका कभी कभी होता है ऐसा ना, मगर थोड़ी देर में मैं समझा लूँगी अपने आप को जब थोड़े शॉर्ट्स और रील बनाऊँगी। तो दिवाली में तो हुई थी सफाई, मगर मैं डेली ऐसे करते ही रहती हूँ क्योंकि एक ही दिवाली को हम कब तक देखेंगे, सफाई तो डेली करनी चाहिए। फिर भी मैंने पूरी एनर्जी के साथ सुबह हल्की फुल्की एक्सरसाइज करी ताकि मन थोड़ा पॉजिटिव सा रहे और बॉडी थोड़ी हल्की सी फील हो, क्योंकि काफ़ी कुछ खाया था फेस्टिवल में। फेस्टिवल होते ही खाने पीने के लिए हैं, इंजॉय के लिए। यहाँ मैंने दिन का खाना भी तैयार कर रही थी, दाल बॉईल करने लगी और उसके बाद मैंने फिर जल्दी से बर्तन वर्तन धोए क्योंकि मैंने अभी जाना था। किसी ने मुझे बताया था कि एक जगह यहाँ पर जूस मिलता है एकदम फ्रेश, तो मैंने जल्दी जल्दी काम करे, अपने सुबह के जो मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट के बर्तन वर्तन धोए, किचन विचन समेटा। आज पता नहीं आवाज़ भी थोड़ी बैठी बैठी सी हो रही है, पता नहीं जुकाम लग रहा है कि क्या हो रहा है, गला थोड़ा बैठा बैठा सा लग रहा है। चलो कोई बात नहीं, अभी गर्म पानी शहद वहद ये सब करूँगी तो ठीक हो जाऊँगी। जल्दी जल्दी बर्तन वर्तन धोती हूँ, लाइफ तो मेरी अकेली ही चलती है। मैं हर ब्लॉग हर रील्स में अकेली ही ये सब कुछ करती हूँ, पर मुझे अकेलापन कभी मुझे लगा नहीं क्योंकि मैं खुश रहने वालों में से हूँ। मैं हमेशा हैप्पी रहती हूँ, मतलब हैप्पी यानी मेरे मन में नेगेटिविटी इतनी जल्दी आती नहीं है और अपने आप को घर के कामों में इतनी व्यस्त रखती हूँ। मुझे अच्छा लगता है अपने परिवार का ख्याल रखना, अपने बच्चे का ख्याल रखना और सबसे पहले मैं खुद का ख्याल रखती हूँ ताकि मैं सभी का ख्याल बहुत अच्छे से रख पाऊँ और अपने घर के पूरे काम में अच्छे से करूँ। क्योंकि अगर हम कहीं जॉब भी करते हैं ना तो ये है कि काम तो हमने करना ही है, उसके बाद फिर मैं रेडी हो जाती हूँ जाने के लिए, सारे घर के काम निपटा के। और लंच का मैं आधा तैयारी तो करके गई हूँ, आधी आके करूँगी। फिर मैं चली जाती हूँ लेने के लिए, किसी ने बोला था यहाँ प्योर मिलता मगर मुझे पूरा नहीं मानना चाहिए, मगर मुझे सही नहीं लगा। ये रोड के किनारे ही था, बहुत धूल थी, पर फिर मैंने कहा चलो जब मैं आ ही चुकी हूँ तो ले ही लेती हूँ। ये था जूस, एलोवेरा, करेला वरेला इन सब का, क्योंकि मेरी सासू माँ की तबीयत सही नहीं थी। मुझे लगा घर के पास लेके तो आ गई, पर मैंने उनको दिया यहाँ पर। ये डॉगी को मैंने बंद दिया और अपने लोग भी, और अपने लिए मैंने अंडे बॉयल करे थोड़े से। मैं सोची थी अंडा करी बना लेती हूँ और डॉग थैंक्स फॉर वॉचिंग।